आज की जो वैकेंसी है 8 लोगों की ECL, मतलब उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यहाँ पर आप लोगों की वैकेंसी निकाली गई है। आप लोग सभी स्टूडेंट्स जानते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिकल, साथ में यहाँ पर जो है सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, इन ब्रांच के तहत आप लोगों की यहाँ पर वैकेंसी निकाली जाती है। तरीके से आप लोगों को अप्लाई करना है, क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें गाइस यहाँ पर, तो आप लोग यहाँ पर इंडिया में कहीं से भी है गाइस, ऑल इंडिया आप लोग इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात यह है कि गाइस फ्रेशर स्टूडेंट बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। कल यह है, ये नोटिफिकेशन आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी सर्विस कमीशनिंग की तरफ से, और यहाँ पर यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मतलब ये आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश वाले स्टूडेंट्स के लिए होता है, यूपी गवर्नमेंट के यहाँ पर अंडरटेकिंग ये वर्क करता है। साथ ही यहाँ पर आपको भी लोकेशन भी दिया गया है, इसका लोगो ये देखिए यहाँ पर दिया गया है, एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया गया है, सारी चीजें आप लोग के लिए दिया गया है। ए की जो आप लोग की जॉब निकलने वाली है, यहाँ पर सिविल वाले स्टूडेंट एलिजिबल रहने वाले हैं। साथ ही देखिए यहाँ पर पहले वो क्लियर कर दिया गया है फ्रेशर, मतलब की देखिये असिस्टेंट ट्रेनिंग इंजीनियर, मतलब फ्रेशर एलिजिबल रहेंगे। ट्रेनिंग की पोस्ट दे रखी है, पोस्ट नेम दिया है, कैटेगरी, और यहाँ पर आप लोगों को कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले जो पोस्ट रहने वाली है यहाँ पर देख सकते हैं, असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनिंग की रहने वाली है, जो हमारे यहाँ पर सिविल, मतलब कैटेगरी आप लोगों की सिविल इंजीनियरिंग की रहेगी। और यहाँ पर EWS वालों के लिए 1 पोस्ट दिया है, OBC वालों के लिए 5 है, और यहाँ पर SC वालों के लिए देखिए 2 है, लेकिन ST वालों के लिए नहीं दिया गया है, ST वालों के लिए 1 भी पोस्ट नहीं दिया गया है यहाँ पर। उसके बाद मेन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पे स्किल गाइस आप लोगों का लेवल जो आप लोग का, मतलब 7th के अनुसार आप लोगों को दिया जाएगा। प्री मैट्रिक्स यहाँ पर लेवल 10 रहेगा, और यहाँ पर 59,000 लगभग अप्रोक्स कह सकते हैं, 60,000 के करीब यहाँ पर आप लोग सैलरी रहती है। तो 60,000 आप लोगों की सैलरी रहेगी, काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं थोड़ा आगे के तौर पर आप लोग की जो क्वालिफिकेशन रहने वाली, सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पर नॉलेज आप लोग को हिंदी राइटिंग की होनी चाहिए, और साथ में देखिए यहाँ पर दिया गया है जो हमारे सिविल वाले स्टूडेंट है, सिविल वाले अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि गाइस सिविल डिपार्टमेंट से ही वैकेंसी निकाली गई है। शिक्षक यहाँ पर देखिए दिया गया है, अगर आपने जो है देखिए ये जो है एक ही पोस्ट जो आप ग्रेजुएट वालों के लिए निकाली जाती है, साथ में मैक्सिमम एज यहाँ पर 20, मतलब जो है मिनिमम 21 है, मैक्सिमम यहाँ पर 40 दिया गया है। 1 जनवरी 2000 मतलब जो है 2020 के अकॉर्डिंग आप लोगों की देखी जाएगी। रिलैक्सेशन भी दिया जाता है गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग, जैसे आप लोग का यहाँ पर सभी में दिया जाता है 3 साल का, 5 साल का, 10 साल का, इस तरीके से आप लोग सभी में और रिलैक्सेशन दिया जाता है। मेन बात कर लेते हैं गाइस एग्जामिनेशन प्रोसेस की, तो यहाँ पर आप लोग का एग्जामिनेशन चाहे आप लोग का ए का पोस्ट हो या जे का, दोनों में सेम ही होता है। यहाँ पर आप लोग का जो है CBT का एग्जाम होता है, CPT एग्जाम होने के आधार पर आप लोगों को यहाँ पर शॉर्टलिस्टेड किया जाता है, और मेरिट के आधार पर दिया जाता है। यहाँ पोस्ट रहने वाले तो एक ही पोस्ट के लिए BTEC वाले एलिजिबल रहते हैं, मतलब यहाँ पर BTEC वाले अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने डिप्लोमा दिया है तो डिप्लोमा वाले JEE की पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस आप लोगों के लिए JEE का नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है, JEE का एग्जाम अभी लगभग मार्च के करीब ही आया है, तो इतना जल्दी नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो आप लोग जो है JEE की पोस्ट के लिए डिप्लोमा वाले स्टूडेंट अप्लाई करिए, वाले होते हैं हमारे जो ग्रेजुएट होते हैं वो अप्लाई करते हैं ए की पोस्ट के लिए। तो अगर आपने बीटेक किया हुआ है तो ए की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह भी होता है, ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पर देखी जाती है। उसके बाद मैं आप लोग को बात करूँ गाइस, यहाँ पर देखिए जो आप लोग का UPSC JEE का जो एग्जाम होता है उसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, और उसमें आप लोगों का इंटरव्यू प्रोसेस नहीं होता है, और यहाँ पर आप लोगों को मेरिट लिस्ट निकाल दी जाती है। बट यहाँ पर देखिए CBT एग्जाम होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा, तो उसके बाद आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये सारी चीज रहेगी, और आप लोग की देखिए मतलब कुछ परसेंटेज जैसे आप लोग का जो एग्जाम होगा उसका भी कुछ भाग वहाँ पर जुड़ेगा मेरिट लिस्ट में। उसके बाद जो इंटरव्यू के आधार पर भी आप लोगों को कुछ मार्क्स दिए जाएंगे, तब भी आप लोग सेलेक्ट हो पाएंगे। यहाँ पर देखिए आप लोगों का ट्रेनिंग वगैरह दिया गया है, ट्रेनिंग पीरियड भी दिया गया है कुछ, और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं तो गाइस यहाँ पर फीस भी आप लोगों की रखी गई है। फीस देखिए सेम ही है आप लोगों की, 1180 यहाँ पर देखिए OBC वगैरह वालों के लिए दिया गया है, और जो हमारे लो कैटेगरी ST वगैरह के डोमिसाइल है यहाँ पर देखिए ST वालों के लिए 826 रुपए यहाँ पर फीस रखी गई है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं गाइस काफी चीजें दी गई है, बहुत सारी चीजें आप लोग देख सकते हैं। अप्लाई किस तरीके से करना, अप्लाई का प्रोसेस यहाँ पर दिया गया है, पेमेंट आप लोगों को ऑनलाइन मोड में ही करना होगा, साथ ही यहाँ पर पूरा आप लोगों को मतलब दिया गया है ब्यौरा। और तो इसकी जो स्टार्टिंग डेट है ऑनलाइन अप्लाई करने की, तो गाइस 24 मई से स्टार्ट हो जाएंगे, 14 जून तक ये आप लोगों की लास्ट डेट रहेगी।
बाकी आप लोगों का एग्जाम वगैरह का यहाँ पर सारा चीज दिया गया है, एग्जाम कब हो जाएगा और आप लोगों का मतलब सीबीटी एग्जाम वगैरह ये सारी चीज आपको कोई भी अगर क्वेरी रहती है आप लोगों की तो इस ईमेल आईडी पर जाकर आप लोग क्वेश्चन या कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। कोई भी दिक्कत आती है आप लोगों को मतलब टेक्निकल इश्यू से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आती है तो आप लोग इस ईमेल आईडी पर जाकर पूछ। अगर इस वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।